ऐसे धमाके दुश्मनों के दिल दहला जाते हैं। बिल्कुल सधा हुआ हमला जिसमें बंकर में छुपे दुश्मनों को बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। दरअसल ऐसे हमले तब होते हैं जब हमलावर दस्ता टारगेट के बेहद करीब होता है और तोपखाने की फायरिंग इस नाते बंद कर दी जाती है कि कहीं अपने ही लोग जख्मी न हो जाएं। तब करीब 200 मीटर के फासले से इन्फेंट्री के जवान ग्रेनेड हमला कर बंकर उड़ा देते हैं। और आखिर में दुश्मन पर फतह का ऐलान करता लहराता हुआ तिरंगा। गणित को उस बैंकर के अंदर लोग गणित थ्रू कर दे उसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद बैंकर ब्लास्ट हो जाती है। बैंकर ब्लास्ट होने के बाद फिर बाकी की जो ट्यूब्स है उसके ऊपर दबाव कर देते हैं। दबाव कर देते हैं उसके बाद दुश्मन के होती है फिर से दुश्मन के अंत। उसके बाद हम अपना फतेह हासिल का जो इशारा हम लद्दाख कोट वाले किकी सोसोल हर गैलों के साथ करते हैं। मिशन को अंजाम तक पहुंचाते लद्दाख स्काउट्स के जवान चाहे इसके लिए इनको आसमान का ही रास्ता क्यों ना इख्तियार करना पड़े। हमारे जवानों को सिद्धरिंग का भी प्रैक्टिस दिया जाता है जिससे वो थर्ड डायमेंशन का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर सकते हैं और सिद्धरिंग की मदद से नीचे आके दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। बेशक ये तस्वीरें असली जंग की नहीं बल्कि ट्रेनिंग का हिस्सा है लेकिन ये बात कम दिलचस्प नहीं। ये ट्रेनिंग दुनिया के सबसे ऊंचे रेजिमेंटल सेंटर पर दी जा रही है। समुद्र तल से कोई 12,500 फीट की ऊंचाई पर बने इस सेंटर में साल भर ट्रेनिंग चलती है। फौजी जीवन में डिसिप्लिन होना और एक सिविलियन को हथियार के बारे में जानकारी देना और हथियार को चलाना आना चाहिए। इन सिविल नौजवानों को सिविल परिवेश से निकालने के लिए फौजी ढांचे में ढालने के लिए ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। लद्दाख के लोगों का फौज से बड़ा पुराना रिश्ता है जो आज भी बरकरार है। स्थानीय भाषा में सेना के जवानों को नूनू कहते हैं और जब ये हंसते मुस्कुराते एक दूसरे से मिलते मिलाते हैं तो हाय हेलो की जगह जुलू जुलू कहते हैं। बहाली के लिए जुटी ये भीड़ सेना को लेकर जुनून दिखाती है जबकि सेना के अपने मापदंड बेहद सख्त हैं। यहाँ जुटे करीब 3,000 लोगों में सिर्फ 125 का चुनाव किया जाना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो गला काट प्रतियोगिता है। ये आपका देश के लिए अच्छा सोल्जर मिलता है, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है। इससे आपका दो पर्पस सर्व होते हैं और ये लोग बेस्ट सोल्जर है हम सबको मालूम है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हालांकि लद्दाख के लोगों की शारीरिक बनावट और यहाँ के माहौल को देखते हुए कुछ खास छूटें भी दी गई हैं। मसलन जवानों के लिए 8वीं पास होना ही काफी है जबकि दूसरी जगहों पर ये पैमाना 10वीं पास का होता है। वैसे ही ऊंचाई 5'2" तय की गई है जो आम फौजियों के लिए 5'5" होती है लेकिन जहां तक बात मेडिकल फिटनेस की है वहां कोई ढील नहीं बरती जाती। हमारे सेंटर का मकसद है कि शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत नौजवानों को
सिपाही बना जाए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम रिक्रूटमेंट स्टेज से ही दूर दराज के इलाकों से शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत नौजवानों का चयन करते हैं। जब ये नौजवान हमारे सेंटर में आते हैं तो हम इनको 47 हफ्तों की ट्रेनिंग देते हैं। सेना के लिए चुना जाना लद्दाख के नौजवानों के लिए बेहद फख्र की बात है। लद्दाख स्काउट्स में शामिल होकर अगर इन्होंने एक बार देश पर मर मिटने की कसम खा ली तो हिमालय की तरह आखिरी सांस तक अड़े रहते हैं। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.